प्रदेश में कोरोना महामारी ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि आम जन को बेरोजगारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में देश का अन्नदाता भी परिस्थिति से अछूता नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले की, जहाँ खेत की फसल चौपट होने के बाद किसान फसल बीमा राशि से वंचित है। लिहाजा स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान विधायक सचिन यादव ने किसान हित की बात करते हुए बताया कि शासन प्रशासन स्तर पर सूचना के बावजूद सर्वे के नाम पर केवल खाना पूर्ति करके आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। वहीं तंज कसते हुए विधायक ने यह भी बताया कि किसान हित को दरकिनार करके भाजपा केवल सत्ता की होड़ में जुटी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। फसल नुकसानी को लेकर अभी तक विधायक साहब कोई सर्वे पूरी तरीके से नहीं हुआ, किसान वैसे परेशान है। ठीक है, निश्चित रूप से अति वर्षा के कारण पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में हमारे किसान साथियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हैं, और हमारा किसान जो है पहले से ही कोरोना की मार झेल रहा है। आज इस संकट के समय में जिस प्रकार से सरकार को आगे होकर के हमारे किसान साथियों के की मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो मदद, वो सहयोग कहीं तक नहीं दिख रहा है। सर्वे के नाम पर से खाना पूर्ति की जा रही है, और सरकार इस गंभीर मुद्दे को लेकर के चिंतित नहीं है। सरकार को सिर्फ जो है अपनी ब्रांडिंग करने में लगी हुई है, अपनी मार्केटिंग करने में लगी हुई है। सरकार कैसे बने, कुर्सी पे कैसे आए, सत्ता में कैसे दोबारा लौटें, अपने सौदेबाजी की जो सरकार उन्होंने बनाई है, सरकार फिर लौटती है तो इसमें किसानों के लिए क्या नई योजनाएं और ऋण माफ़ी पर क्या रहे? देखिए, हमारी जो सरकार है, सरकार की प्राथमिकता में हमारे जो नेता थे आदरणीय कमलनाथ जी, उनकी प्राथमिकता में हमारा मध्य प्रदेश का किसान था। और जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण जो है, उनकी गलत किसान विरोधी नीतियों के कारण लगातार संकट में और परेशानी में रहा, और आत्महत्या करने पर जिसको मजबूर होना पड़ा, आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने ऋण माफ़ी जैसी योजना चालू करके, कार्यक्रम चालू करके, हमने हमारे किसानों का को कर्ज के बोझ से बाहर निकालने का, कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का काम किया, और किसानों का को खुशहाली और समृद्धि की तरफ एक कदम हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।